वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे जैसे आपको पता है यूजुअली सैटरडे ट्रैवलिंग डे होता है, तो ट्रैवलिंग डे ही है, बट ट्रैवलिंग इक्वल्स टू हाइकिंग डे। तो आज है हाइकिंग डे, तो मैम ने सोचा कि चलो हाइकिंग के लिए चलते हैं, बिकॉज कोई और ट्रैवलिंग प्लान्स नहीं थे। और हाइकिंग के लिए आप जब चाहते हो तो मेन है आपका वेदर देखना पड़ता है, तो वेदर भी बहुत अच्छा था, तो सोचा कि चलो अब हम आज हाइकिंग चलते हैं, क्योंकि वेदर अच्छा है, सनी होता है तो हाइकिंग में मजा नहीं आता। सो आज प्लान किया हाइकिंग। तो यहाँ पे एक हाइक है जिसका नाम है पोटैटो चिप हाइक। तो पोटैटो चिप इसके लिए नाम है क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो वहां पे एक पोटैटो चिप जैसा एक शेप है, तो इसके लिए उसका नाम है पोटैटो चिप हाइक, कि वो चिप के चिप्स के जैसा दिखता है एक पोटैटो चिप। तो आज वहीं जा रहे हैं पोटैटो चिप हाइक, एंड इट विल बी अ लॉन्ग हाइक। देखते हैं, वी विल गिव 100% टू रीच देयर, बिकॉज बट लंबा है। आई थिंक वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम, एंड कम एंड गो में 3-4 आवर्स लग जाते हैं, कम एंड गो में, नॉट वंस में। तो अब वहीं जा रहे हैं, तो होपफुली इट विल बी गुड एंड वी विल बी डन। तो हाइकिंग के लिए जब आप जाते हो तो पूरा, एक्चुअली हमारा प्लान था जल्दी निकलने का, अभी तो ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, बट यू नो मैच, वर्ल्ड कप मैच फीवर चल रहा है, तो मैच ही देखते बैठे, एंड इट वॉज अ रियली गुड मैच। आई थिंक इंडिया हैज प्लेड सो गुड। तो उस वही देख रहे थे बिकॉज बहुत अच्छा मैच था, तो वो छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसके लिए लेट हो गया, बट इट्स ओके, अभी भी सनी नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो यही हो जाएगा, यही लेट हो जाएगा। तो आज है हाइकिंग डे, तो देखते हम पहुंच पाते हैं या नहीं वहां तक। ने अभी नया बोलते हैं ना, डिसाइड किया हुआ है, रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि मंथ में एटलीस्ट ट्वाइस या फिर वंस हाइकिंग करना ही है, बिकॉज इट्स गुड कि आप घूमना भी आपका हो जाता है और आपका चलना भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेली इतना एक्सरसाइज नहीं होता इंडिया के जैसा, तो ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो हाइकिंग के साथ दोनों भी हो जाता है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया हुआ है, देखते हैं वो कितना हम कर पाते हैं। तो आज से ही शुरू करते हैं, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे छोटा सा पार्क है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है पीछे, बहुत सारा ग्रीनरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यू और ऐसी जगहों पे जाना। देखिए कितना अच्छा व्यू है पीछे, और ये छोटा सा पार्क है यहाँ पे, और वेदर देखिए कितना अच्छा, इट्स अ परफेक्ट वेदर फॉर हाइकिंग। तो अब हम यहाँ पे आ रहे थे, तो लाइक हम लोग ने एक इससे बात की जो एक गाइड होता है यहाँ के बारे में, गाइड करता है कि कैसे जाना है, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट हाइकिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज ये एक रियल हाइक है। अब देख सकते हैं हम कौन से रास्ते से यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये एकदम रियल हाइक होने वाली है, ऐसी वो वाली हाइकिंग नहीं कि तुम बस चल रहे हो, ऐसा नहीं है, जंगल के रास्तों से, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, ही सेट दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट हाइक इन द US। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे करने के लिए, एंड देर आर टू वेज, एक है जो ईजी रोड है एंड एक है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमने वही रोड चुना है, बट उससे ही आपको, उन्होंने कहा कि उससे ही आपको रियल फन आएगा। जो इसका दूसरा रास्ता था वो ऐसा था कि आप गाड़ी लेकर जा सकते हो आधे हिस्से तक, एंड देन वहाँ से सिर्फ 2 आवर्स है, बट आई थिंक वो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, पर ऐसे चलने में बहुत मज़ा है। आप देख सकते हैं मैं अभी थक गई हूँ, बट नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट। तो चलिए अब चलते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 आवर्स तो मिनिमम लगेंगे ही,
डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पीड यू गो, पर आप ज़्यादा स्पीड में चल नहीं सकते हो बिकॉज हाई एलिवेशन पे है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो. और बहुत स्लोपी रोड्स है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, बट आई थिंक इट्स गोइंग, इट शुड बी लाइक यू शुड टेक कमिटमेंट कि यस आप कर सकोगे, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू विल गो एंड यू विल गेट द डेस्टिनेशन. तो या और सबसे अच्छी बात यह है इस जगह की कि अगर आपको हाइक करनी भी नहीं है और जस्ट आना है ऐसे ही जस्ट टू स्पेंड योर सैटरडे, देन ऑल्सो इट्स अ गुड प्लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे पार्क्स है, लेक है. तो हाइकिंग नहीं भी करनी है तो भी, वी वर जस्ट टॉकिंग कि नेक्स्ट टाइम हाइक नहीं करेंगे बट डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे जस्ट टू चिल आउट, क्योंकि बहुत अच्छा लेक है, पार्क बहुत सुंदर है, बैठने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बेंचेस है, तो आप आराम से चिल कर सकते हो यहाँ पे. आप पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर है, फाउंटेन्स देखिए और वो बर्ड्स की आवाज़, मुझे ये सब बहुत पसंद आता है, तो मैं ऐसी जगह पे जाना बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ. अब हम यहाँ पे ट्री के नीचे बैठ के चिल कर रहे हैं और अब पूरी हाइक तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ऊपर है, बहुत डिस्टेंस पे, उतना स्टैमिना भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए एंड उतनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तो कंप्लीट तो नहीं कर पाए. बट आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ऊपर तक हम लोग गए, तो इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम. एंड हम लोग के पास पानी भी नहीं था और इन बिटवीन पानी के लिए कुछ है भी नहीं, पानी ख़त्म हो गया था. एंड स्पेशली जब अभी हमने रियलाइज़ किया कि जब भी आप यहाँ पे आते हो यू नीड लॉट ऑफ बॉटल्स, एटलीस्ट मे बी 4 to 5, हमारे पास सिर्फ 2 bottles थे, यू नीड 4 to 5 bottles, तो ही तुम ये हाइक कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हाई बहुत एलिवेशन है, बहुत स्लोप है आगे, तो वो चढ़ना इट्स इम्पॉसिबल. थोड़ा कुछ किया तो तुम्हें प्यास लगती है, तो पानी भी ख़त्म हो गया था, सो देयर वॉज नो पॉइंट कि आप बॉडी को बहुत फोर्स करो और लेके जाओ, हेल्थ नहीं ख़राब करनी है. तो ओके, बट वी डिड आर बेस्ट, हम लोग काफ़ी ऊपर तक गए एंड वी आर हैप्पी विद दैट फॉर नाउ. तो इट वॉज फन, बहुत बड़ा हाइक है एंड वी रियलाइज कि पानी का बॉटल तो नेक्स्ट टाइम लाना ही है, लाइक खाना मत लेके आओ बिकॉज भूख तो लगती नहीं है, क्योंकि वेदर वगैरह ठंडा लगता है, वेदर वॉज गुड और बट पानी तो चाहिए. बट सेकेंड थिंग ऐसा हुआ कि हम लोग लेट निकले इसके लिए, लाइक सन आ गया बाद में आफ्टर 12:30, तो सन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है. और स्पेशली अभी समर है तो, और अभी बहुत सारे लाइक अभी जुलाई का एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, उसके बाद तो बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स है, छुट्टी आने वाली है, तो यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलिंग व्लॉग्स आएंगे.
क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ वेकेशंस प्लान, तो बहुत अच्छे अच्छे वेकेशंस के व्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. I'll end my vlog here and I hope you guys have enjoyed this vlog, and if you have enjoyed then please subscribe to my channel, give a big fat thumbs up to this video, and I'll see you guys soon with the next interesting vlog. Till that, bye bye, take care and happy weekend.